एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और आज करने वाले हैं एक और बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस, एक स्टॉक के क्या लेवल्स रहेंगे, क्या चार्ट्स रहेगा, सब देखने वाले हैं। क्विक 3 या 4 मिनट की वीडियो के ऊपर चलते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट ऑल द नोटिफिकेशन इंस्टेंटली। यहाँ पर मैं ब्रेकआउट स्टॉक, पेनी स्टॉक, लाइव सेशंस, आईपीओ एनालिसिस, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। चलते हैं अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। जो आज स्टॉक पिक किया है मैंने वो है नोसिल। अब यहाँ पर नोसिल में क्या है, ये डेली चार्ट है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो उस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पर स्टॉक मोमेंटम में है। सबसे अच्छी बात क्या है, मॉर्निंग से लेकर अभी तक एक मारुबुजो कैंडल टाइप बनी है। स्टॉक के लेवल्स क्या है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पर नोसिल में जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर सेम लेवल बन गया अब सपोर्टिव लेवल। ये एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल था पहले मई जून के आसपास, जहाँ पर अच्छा खासा कंजेशन हो रहा था। फिर यहाँ से एक बार बाउंस कर रहा है, दोबारा बाउंस कर रहा है इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि नोसिल ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक डबल बॉटम बना दिया, जो कि एक लेवल है यहाँ पर 215 के आसपास। एक बार दो बार अच्छा खासा बाउंस ले रहा है और अब वापस से क्विक अप मूव आ रहा है, क्विक अप मूव आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एंट्री लेता हूँ 248 रुपीस के आसपास, सबसे अच्छी बात। और उससे भी अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन से भी स्टॉक बाहर निकल चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मूव आया था, बट इस मूव ने एक अच्छा खासा कंफर्मेशन दे दिया। 7% के मूव ने कंफर्मेशन अब यहाँ पर दे दिया। तो दोनों तरफ से स्टॉक बाहर निकल रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, प्लस एक चैनल जो था, एक लोअर लो था, वहाँ से भी स्टॉक बाहर निकला। अब अगर बाइंग की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करता हूँ 248 रुपीस के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर कुछ सपोर्ट के थोड़ा सा बफर नीचे जाएगा, समवॉट अराउंड 213 के आसपास मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं टारगेट की, तो यहाँ पर मेरा जो पहला टारगेट मैं रखना चाहूँगा वो ये 288 के आसपास। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 288-289 जो है वो एक गैन नंबर भी है। और जो सेकेंड टारगेट मैं रखना चाहूँगा वो यहाँ पर रखना चाहूँगा 312 के आसपास। ये जो दो लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नोसिल में आज अच्छा खासा अप मूव आया है, डबल बॉटम बना रहा है, सबसे अच्छी बात कि एक डिसेंडिंग चैनल से बाहर निकल रहा है और उसी लेवल से वापस बाउंस हो रहा है जहाँ से पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, वही लेवल से वापस एक फंडामेंटल वैल्यू लेकर स्टॉक वापस से अप ट्रेंड की तरफ वापस से मूव करने के लिए रेडी है। बहुत ही क्विक एनालिसिस है नोसिल के, जहाँ पर हमने डबल बॉटम देखा, स्टॉप लॉस देखा, टारगेट 1 और टारगेट 2 देखा, बहुत ही क्विक एनालिसिस थे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।